हेलो बच्चा पार्टी दिस इज एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट वन जैसा कि आपको दिख रहा है तो पार्ट वन में जो है हम सिंपल इंटरेस्ट को डील uh, करेंगे सेकेंड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के हम क्वेश्चंस uh, जो है वो सॉल्व करेंगे और दो पार्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थर्ड पार्ट जो होगा वो आपको पता है जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन में लेके आती हूँ ताकि आप लोगों का जो टॉपिक है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ठीक है एक और जो नए बच्चे उनको हम बता देते हैं बेटा ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही हैं ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है आप में से जो बच्चे अभी क्लास एट में हैं और अगले साल क्लास नाइन्थ में जाने वाले हैं और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय एंट्रेंस सैनिक स्कूल एंट्रेंस एन मैथमेटिक्स ओलम्पिया के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये जो आपका ये चैनल जो है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के लिए ठीक है ये बैच उन सब टाइप के एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच का काम करेगा आपके लिए आप जाइए यूट्यूब पे नवोदयम क्लासेस के चैनल पे आप देखेंगे कि आपको लक्ष्य बैच के नाम से पूरी प्ले मिल जाएगी दो बजे रोज टू पी एम दो बजे दिन में मंडे वेडनसडे और फ्राइडे इसकी क्लासेस आपको मिल जाती है थ्री डेज इन अ वीक ठीक है उसके अलावा बाकी थ्री डेज में हमारी एक और बैच चल रही है जो कि क्लास सिक्स के लिए है ठीक है ये क्लास नाइन्थ के लिए बैचेस हैं आप इसमें एनरोल करिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा रही हूँ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल का नाम है नवोदयम क्लासेज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे पीडीएफ वहां से मिल जाए चलते हैं हमारे फर्स्ट साइड पर फटाफट से और समझते हैं कि आज जो है वो हमारा क्या टॉपिक है देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपने सेवेंथ में भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा पर उससे पहले आपको एक बार मैं बेसिक नॉलेज अपनी तरफ से दे देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक जब भी हम स्टार्ट करें तो उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि हमारा जोर ही यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे है तो सबसे पहले हम बेसिक्स की ही बात करेंगे ठीक है तो इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इंटरेस्ट होता क्या है तो इंटरेस्ट के नाम से पता चल रहा है कि जिस ना, जिसके नाम ही इंटरेस्ट है वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी ठीक है तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा क्या सीखने को मिलेगा उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखने को देखना पड़ेगा ठीक है चलिए इंटरेस्ट क्या होता है बेटा देखो मान लीजिए कि आप एक पर्सन है ठीक है और आपके पास वन थाउजेंड रुपीज है ठीक है आप एक पर्सन है जिसके पास कितने रुपए हैं वन थाउजेंड रुपीज है ठीक है अब आप चाहते हैं कि यार मैं इस एक हजार रुपये को क्या कर दू जमा कर दू क्या कर दू मैं जमा कर दू और जब भी हम सब जमा करने की बात करते हैं तो जमा करने के टर्म्स में हम सबको पता है कि सबसे पहली क्या चीज दिमाग में आती है तो सबसे पहली चीज आती है दिमाग में कि बैंक में हम जमा कर सकते हैं क्या आता है दिमाग में ये तो आप लोगों ने सुना होगा ठीक है कि बैंक में आप जमा कर सकते हैं राइट देखो अब आपको मैं समझाती हूँ कि इंटरेस्ट किस तरीके से पूरा काम करता है तो ये बैंक है मान लीजिए ये क्या है ये है बैंक किस तरीके से बैंक का सिस्टम वर्क करता है ठीक है इंटरेस्ट होता क्या है सब चीजों पर बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे ठीक है सबसे तो पहले इंटरेस्ट क्या होता है वो मैं एक जनरल लैंग्वेज में बताती हूँ फिर बहुत डिटेल में समझाऊंगी ठीक है मान लो कि मैं कोई पर्सन हूं मैंने हजार रुपए बैंक को दे दिए जमा करने के लिए ये हजार रुपए मैंने क्या कर दिए डिपॉजिट कर दिए बैंक कितने टाइम के लिए आपने करा मान लो वन ईयर के लिए आपने ये डिपॉजिट करे पैसे ठीक है अब तो आपने बैंक को दिया हजार रूपये रखने के लिए तो बैंक कहता है कि क्योंकि आपने अपने हजार रूपये मेरे पास रखे हैं तो जब आप एक साल बाद इस पैसे को लेने के लिए आएंगे मेरे से रिटर्न कर मैं मेरे को देना पड़ेगा आपको पैसे रिटर्न करना पड़ेगा तो मैं आपको कुछ पैसे बढ़ा के दूंगा तो बैंक जो है वो आपको कितने रिटर्न करेगा बैंक आपको ग्यारह रिटर्न मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिटर्न ग्यारह ही करेगा सारी पहले आप स्टोरी सुन लीजिए तब आपको समझ में आएगा मान लीजिए बैंक आपको कितने रुपए रिटर्न करेगा कि रुपए रिटर्न करेगा तो आपने क्या देखा कि यार मैंने जमा कराए थे कितने रुपए हजार रूपये मुझे मिल कितने रुपए रहे ग्यारह सौ रुपए तो मुझे कितने का यहाँ पे मतलब प्रॉफिट समझ लो या कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो सौ रूपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा प्लस में मनी जो है आपकी प्लस हो गई है सौ रुपये एक्स्ट्रा मिल गए आपको वही क्या होता है बेटा वही होता है इंटरेस्ट ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलता है यही क्या होता है यही होता है इंटरेस्ट अब बैंक मैम देती कैसे है अच्छा बैंक जिसमें तो बैंक का लॉस है हम लोग क्या सोचते हैं कि सब बैंक के पास पैसे जमा कर रहा है और बैंक सबको एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न कर रही है तो बैंक का तो लॉस हो रहा है फिर बैंक हमारे पैसे क्यों रखती है ठीक है बैंक का क्या फायदा है इसमें देखो बेटा बैंक का ऐसे फायदा होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है मैं बहुत इजी लैंग्वेज में ये चीज ये देखो बहुत डीप चीज है ये आप बैंक के बारे में समझ जाएंगे तो बहुत कुछ डीप मिलेगा आपको बट मैं बहुत इजी लैंग्वेज में कि आपको समझ में आ जाए इंटरेस्ट क्या होता है इसलिए मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ठीक है एक स्टोरी के तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगी मान लीजिए कोई पर्सन है उसने बैंक को हजार रुपये रखने के लिए दिए कोई पर्सन है उसने बैंक को दस हजार रुपये रखने के लिए दिए कोई पर्सन है उसने बैंक को पचास हजार रुपए रखने के लिए दिए कोई पर्सन है उसने बैंक के पास वन लाख रुपीज रखने के लिए दिए कि मेरे पैसे रख लीजिए आप कोई पर्सन है उसने बैंक के पास टू लाख रुपीज जो है वो रखने के लिए दिए ठीक है सबने ये ये कोई बंदा है ए नाम से ये कोई बंदा है बी नाम से ये कोई है सी नाम से ये कोई है डी नाम से ये कोई है ई e नाम से इसने मान लो वन ईयर के लिए दिया है इसने थ्री इयर्स के लिए दिए हैं इसने टू एंड हाफ इयर्स के लिए दिया है इसने फोर इयर्स के लिए दिया है और इसने टेन इयर्स के लिए दिया है मान लो ये सब सब लोगों ने बैंक को पैसे दे दिए ठीक है अब जो क्या है अब कोई एक पर्सन है मान लीजिए बैंक क्या करता है बैंक के आपने आप सबने बैंक को पैसे दे दिए रखने के लिए जमा करने के लिए अब ये कोई है जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बॉक्स जो है ये समझ लीजिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अब गवर्नमेंट को कहीं पे रोड बनवानी है रोड प्रोजेक्ट पे काम करना है ठीक है कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल बननी है उस प्रोजेक्ट पे काम होना है कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलवाना है उस प्रोजेक्ट पे काम चलना है अब ये सब के लिए गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट ने देखा बैंक क्या है बैंक क्या है बैंक तो खुद गवर्नमेंट बॉडी है बैंक क्या है गवर्नमेंट बॉडी है राइट right? तो मान लिया की ये ग, बैंक गवर्नमेंट ने देखा कि बैंक के पास तो क्या है पैसे हैं गवर्नमेंट ने देखा कि बैंक के पास तो बहुत सारे पैसे हैं

Uh, अपने पास से थ्री लाख रुपीज मानो ये ई ये जो बंदा है ई बंदा इसने कितने टाइम के लिए दिया था टेन इयर्स के लिए दिया था तो इसको तो दस साल बाद पैसे देने हैं बैंक को अभी तो कोई टेंशन नहीं है तो दस साल तक तो कोई टेंशन नहीं दस साल के बाद पैसे देने हैं तो बैंक ने इसके टू लाख रुपीस प्लस ये जो बंदा है जिसने वन लैख तो पहले कोई टेंशन नहीं है देना देने की तो इसके वन लाख रुपीज इन दोनों के टू लाख और वन लाख मिला के बैंक ने किसको दे दिए गवर्नमेंट को दे दिए बैंक ने किसको दे दिए गवर्नमेंट को दे दिए अब गवर्नमेंट को तो कितने टाइम के लिए काम है सिक्स मंथ्स के लिए गवर्नमेंट को कितने टाइम के लिए चाहिए सिक्स मंथ्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि मेरा काम हो जाने दीजिए जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो ये जो थ्री लाख ,00 रुपीज मैंने लिए हैं ना आपसे गवर्नमेंट ने लिए रुपीज लिए थे थ्री लाख ,00 रुपीज लिए थे कितने रुपीज लिए थे थ्री लाख ,00 रुपीज लिए थे गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट ने बोला ये थ्री लाख ,00 रुपीज जो है ना ये मैं आपको रिटर्न करूंगा थ्री लाख ,00 से फोर लाख ,00 बना के कैसे रिटर्न करूंगा फोर लाख बना बना के रिटर्न करूंगा मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट किसको दे दिए आप देखो यहाँ पैसे बढ़ गए क्या हो गए इंक्रीज हो गए अमाउंट तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट किसको दे रही है गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है बैंक को और जब बैंक को इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक से मानो ये जो बंदा है ए इसका टाइम आ गया पैसे निकालने का इसने ये हजार रुपए निकाल लिए इसने रुपए निकाल लिए अब इसको हजार पैसे निकाल के बारह सो देने तो गवर्नमेंट ने यहाँ जो गवर्नमेंट ने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे ना एक लाख रूपी उसी में से फिर ये बैंक क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसों को इन्हीं वन लैख यहाँ जो वन लैख मिला इस वन लैख को बैंक क्या करता है बेटा इसी वन लैख को बैंक क्या करता है आगे बढ़ा देता है ये जो ए बंदा था जिसको हजार रुपए चाहिए थे इसके हजार में दो सौ लगा के इसको बैंक ने कितने पैसे दे दिए बारह सौ रुपए दे दिए ये दो सौ रुपए यहाँ पे बैंक ने क्या कर दिए इसको एक्स्ट्रा दे दिए दो सौ रुपए बैंक ने इसको क्या कर दिए बेटा दो सौ रुपए ने एक्स्ट्रा दे दिए ये वाले टू हंड्रेड रुपीज को क्या कर दिए एक्स्ट्रा दे दिए तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट की हम बात कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे मिल रहा है या किसी को भी मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं ठीक है अब आपको ये पूरा समझ में आया होगा सिस्टम देखो बेटा इंटरेस्ट दो टाइप से होता है ठीक है अब ये तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है बैंक में आपने पैसे रखे आपको मिल रहा है इंटरेस्ट ठीक है अब एक और टाइप होता है इंटरेस्ट का ठीक है जिसको मैं बहुत ही जो है छोटी सी जगह में समझाने की आपको कोशिश करूंगी ठीक है एक जब एक बार तो इंटरेस्ट आपको मिलता है जब आप पैसे किसी को देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है पर जब आप पैसे लेते हो आपने लोन वर्ड सुना होगा एक ठीक है आपने लोन वर्ड सुना होगा एक तो लोन जो होता है वो क्या क्या चीज होती है या उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और वो इंटरेस्ट से कैसे रिलेटेड होता है ठीक है अब मान लीजिए कि मेरे को घर बनाना है मैं एक पर्सन हूं और मुझे घर बनाना है अपना तो मुझे घर बनाने के लिए पैसे चाहिए दस लाख रुपए पर मेरे पास है नहीं तो मेरे को पता है कि गवर्नमेंट से मैं पैसे ले सकता हूँ उधार लेकिन वो पैसे कैसे होते हैं उधार पैसे होते हैं मुझे वो पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं ऐसा नहीं है बैंक मुझे फ्री में दे देती है मुझे रिटर्न करने पड़ते हैं वो पैसे तो ये बैंक है मैं गई बैंक के पास मैंने बैंक को बोला कि मुझे कितने रुपए चाहिए मुझे वन टेन लाख रुपीज चाहिए कितने चाहिए टेन लाख रुपीज चाहिए किसके लिए होम लोन के लिए घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जो लोन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं होम लोन बोलते हैं होम लोन के लिए मुझे दस लाख रुपए चाहिए बैंक ने बोला अच्छा मैं ले कितने टाइम के लिए रही हूँ वो तो आप पे डिपेंड करता है पर मान के चलते हैं कि होम लोन लंबे टाइम के लिए होता है टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स तो हम टेन ईयर लेके चलते हैं ये लाख में ले रही हूँ कितने ले रही हूँ रुपीज है? कितने टाइम के लिए ले रही हूं तो माना मैंने कि टेन इयर्स के लिए ले रही हूं कितने टाइम के ले रही हूँ टेन ईयर्स के लिए अब दस साल के लिए बैंक से मैंने पैसे ले लिए अब आप यहां देखो बैंक को तो बार बार देना पड़ता है लेना पड़ता है ये सब चलता रहता है प्रोसेस है है मतलब सब कुछ साथ में ही चल रहा बैंक को मिल भी रहा है बैंक को चुकाना भी पड़ रहा है किसी को ठीक है ये सब क्लॉक है ठीक है सब कुछ साथ में चल रहा है ठीक है तो मान लो मैंने बोरो किए टेन लाख रुपीज टेन इयर्स के लिए तो बैंक ने बोला कि यार मैं दस साल के लिए तुम्हें अपने इंस्टीट्यूशन में से अपनी एक जगह पे से मैं पैसे निकाल के दे रहा हूँ और वो पैसे बैंक के तो है नहीं देखो बैंक से जो आप दस लाख ,00 रुपए ले रहे हो वो बैंक के पैसे नहीं है वो वो भी पैसे किसके हैं किसी और के हैं जिस बाकी लोगों ने जो जमा कराया है उसमें से निकाल के बैंक आपको दे दे रहा है ठीक है बाकी लोगों के जो पैसे हैं जैसे आपको यहाँ आपने देखा ना देखो यहाँ पे टेन थाउजेंड जमा कराया था बी ने फिफ्टी थाउजेंड सी ने वन थाउजेंड ए ने तो बाकी लोगों के जो पैसे हैं उन पैसों को जोड़ के बैंक आपको दे दिया क्योंकि अभी आपको जरूरत है जब जिसको जरूरत होती है बैंक उसको पे करता है उस टाइम पे ठीक है तो अभी मेरे को जरूरत है बैंक ने मेरे को टेन लाख रुपीज दे दिया पर बैंक ने बोला कि यार मैंने तो बाकी लोगों के पैसे तुम्हें दे दिए हैं

अब आप बोरो केस में देख लो चाहे आप विड्रॉल के केस में देख लो जब आप पैसा उधार ले रहे हो या जब आप सॉरी विड्रॉल डिपॉजिट के केस में देख लो जब आप पैसा उधार ले रहे हो बैंक से बोरो कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो दोनों ही केस में आपने जब पैसा उधार लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा बैंक को और जब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए तो बैंक ने आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए तो दोनों ही केसेस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट उसी को हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट आई होप मैंने आपको इंटरेस्ट बहुत ही अच्छे से समझाया कि है, कुछ पे बात करते है जैसे कि इंटरेस्ट क्या आपने डिपॉजिट करवाया जो अभी तक आपने समझा ना कहानी अगर आपने वो कहानी समझ ली तो आपको समझ सम्झ में आ जाएगा वन थाउजेंड रुपीज आपने डिपॉजिट कराया इसी को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट डिपोजिट के केस में ये हो जाएगा मानो आपने बोरो किया मतलब बैंक से उधार लिया या कर्जा कर लिया? कर लिया कितने पैसों का लिया वन लाख रुपीज का लिया कितने पैसों का लिया वन लाख रुपीज तो ये वन लाख ही क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा जितना पैसा आपने लिया वो या फिर जितना पैसा आपको बैंक ने सॉरी आपने बैंक में जमा कराया जितना पैसा आपने बैंक से लिया या फिर जितना पैसा आपने बैंक में जमा कराया ये दोनों ही अमाउंट क्या होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं टाइम मतलब कितने टाइम के लिए जमा कराया है वन ईयर के लिए टेन ईयर्स के लिए फाइव ईयर्स के लिए फोर पॉइंट फाइव ईयर्स के लिए वो होता है आपका पर टाइम कितने टाइम के लिए जमा कराया है या फिर कितने टाइम के लिए बोरो लिया है कितने टाइम के लिए उधार लिया है आपने दस साल के लिए उधार लिया है पांच साल के लिए उधार कितने टाइम में आप उधार चुका देंगे वही आपका टाइम होता है ठीक है अगला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तो आप समझ चुके हैं अब अब वो वो इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किसके ऊपर किया जाता है कितना इंटरेस्ट तो आपने सुना होगा टेन परसेंट इंटरेस्ट लगेगा बैंक बोल रहा है टेन परसेंट इंटरेस्ट लगेगा ठीक है बैंक ने बोला कि इंटरेस्ट जो है वो कम होके अब सेवन परसेंट हो चुका है इंटरेस्ट जो है वो कम होके फाइव परसेंट हो चुका है तो ये जो ये जो यहाँ टेन परसेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है सेवन परसेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है यही क्या होता है रेट होता है यही क्या होता है रेट होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ठीक है उसको क्या बोलते है? बोलते हैं हैं रेट अमाउंट क्या होता है अमाउंट हमेशा फाइनल मनी को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है फाइनल मनी मतलब की मैंने हजार रुपये डिपोजिट कराए थे ठीक है मिले कितने मेरे को हजार रुपये डिपोजिट कराए थे मेरे को मिले पंद्रह तो ये जो पंद्रह सो है ना यही अमाउंट है मतलब फाइनल मनी फाइनल मनी मुझे कितना मिला यही अमाउंट है ठीक है ये डिपॉजिट के केस में ऐसे ही बोरो के केस में देख लो कि टेन थाउजेंड रुपये मैंने बोरो किए थे बैंक से ठीक है मेरे को देने पड़ेंगे कितने मेरे को देने पड़ेंगे ट्वेल्व थाउजेंड तो ये जो मेरे को जो देने पड़ रहे हैं ना अमाउंट लास्ट में उसी को हम क्या बोलते हैं फाइनल अमाउंट जो होता है वही हमारा अमाउंट होता है या फाइनल मनी जो होता है फाइनल प्राइस जो होता है वही हमारा क्या होता है अमाउंट होता है ठीक है

अभी क्या चल रहा है आपका 2024 कौन क्या चल रहा है 2024 के जनवरी में मान लीजिए जनवरी मंथ है कौन सा मंथ है जनवरी मंथ है इस महीने में मैं बैंक गई और मैंने बैंक में कितने रुपए जमा करा दिए मैंने बैंक में हजार रुपए जमा कराए ये मैंने डिपॉजिट किए ये पैसे ठीक है वन रुपए कितने टाइम के लिए किए वन ईयर के लिए किए ठीक है वन ईयर के बाद मेरे को अमाउंट क्या मिलना है लास्ट फाइनल मनी को मैं क्या बोलती हूँ अमाउंट बोलती हूँ वो मुझे कितना मिलना है और सॉरी रेट की बात कर लेते हैं रेट की बात बीच में भूल गए और जब भी भी सिंपल इंटरेस्ट की बात आएगी तो हम रेट को तो नहीं भूल सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए कि किस रेट पे कराया हमने टेन परसेंट रेट जो है रेट क्या है टेन परसेंट है टाइम वन ईयर है तो रेट टेन परसेंट मुझे क्या दिखाता है बेटा कि टेन परसेंट मुझे इंटरेस्ट मिलेगा किसका टेन परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा किसका ऑफ व्हाट ऑफ व्हाट डिपॉजिट का हजार रुपए का डिपॉजिट कितना कराया था आपने हजार रुपए तो निकाल सॉल्व कैसे करते हो आप तो परसेंटेज सीख चुके हो टेन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी और सौ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे सौ रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 2024 की जनवरी में मैंने इतना जमा कराए थे और 2024 के दिसंबर में मतलब उस साल के लास्ट में मेरे को कितने पैसे मिल जाएंगे हजार मैंने दिए थे था और सौ मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो ग्यारह सौ रुपए मिल जाएंगे अब ये जो सौ रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट आया ना मेरा बेटा तो सिंपल इंटरेस्ट ये बताता है कि इंटरेस्ट हर साल इतना ही रहेगा इस साल सौ था अब दो में ग्यारह हो गए और दो में क्या हो जाएगा फिर ग्यारह था उसमें और सौ जोड़ लो ये जो सौ इंटरेस्ट था वही सौ ही रहेगा वो बारह हो जाएगा फिर 2026 में क्या हो जाएगा बारह सौ रुपए थे बैंक में मेरे पड़े हुए सौ रुपए इंटरेस्ट लग गए तेरह सौ हो गया ठीक है दो हजार सत्ताईस में क्या होगा कि कितने रुपए पड़े हुए थे मेरे पास बैंक में तेरह सौ रुपये और इंटरेस्ट कितना मिल रहा था मेरे को सौ रूपये तो कितना हो जाएगा चौदह सौ हो जाएगा मतलब चेंज नहीं होता है सेम रहता है अगर ए, पहले साल में सौ रुपये इंटरेस्ट मिलेगा तो हर साल सौ सौ रुपये मिलेगा पहले साल में पांच सौ रुपये इंटरेस्ट मिला तो हर साल पांच पांच सौ रुपये ही मिलेगा जब तक आप बैंक में पैसे रखोगे तब तक ठीक है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट ठीक है ये सिंपल इंटरेस्ट की सारी की सारी, सारी कहानी है सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या होता है हमें एस आई एस आई मतलब एस डॉट आई का मतलब क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट एस फॉर सिंपल आई फॉर इंटरेस्ट एस आई का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट जो भी दे रखा है आपको मल्टीप्लाई बाय टाइम जो भी गिवन है आपको और अपॉन हंड्रेड ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड ये फॉर्मूला है ठीक है चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल आपको दे रखा है जो जो गिवन है वो आप लिखते जाइए पांच हजार रुपए आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आर दे रखा है आपको फाइव परसेंट और आपको टाइम दे रखा है थ्री इयर्स का इसमें आपको मैं पांच क्वेश्चंस कराऊंगी आगे के पांच क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क पांच या छ करा दूंगी बाकी आपके टेन क्वेश्चंस है बाकी तीन चार आपके होमवर्क के लिए छोड़ दूंगी ताकि आप खुद से करें और खुद से करके और तब सीखें अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए आप क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड तो पी क्या है फाइव थाउजेंड इंटू आर क्या है फाइव इंटू टाइम क्या है थ्री अपॉन हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट हो गई ठीक है एस आई इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू फाइव इंटू थ्री ठीक ये कितना हो गया फाइव फाइव जो ट्वेंटी और ट्वेंटी रुपीज ये इंटरेस्ट है और आपसे पूछ इंटरेस्ट ही पूछ रहा था तो यही आपका आंसर है सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था वही आपका आंसर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिवन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड और प्रिंसिपल आपको दे रखा है दो हजार रुपए टाइम आपको दे रखा है टू इयर्स और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है एस SI आई आपको गिवन है कितना गिवन है तीन सौ रुपए और आपको आर निकालना है यही है चलो एस SI आई का फॉर्मूला पता है ना क्या है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब निकालना क्या है देखो आर निकालना है तो जो निकालना है उसको यहाँ छोड़ दो इसको यही रहने दो आर को बाकी सब उधर चला जाएगा हंड्रेड भी उधर चला जाएगा पी भी उधर चला जाएगा टी भी उधर चला जाएगा सब कुछ उधर चला जाएगा तो आर अपनी जगह पे है ठीक है फॉर्मूला क्या बनेगा हंड्रेड नीचे डिवाइड में है इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में एस के साथ तो एस आई इन हो जाएगा

चलो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो रही है एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट हो रही है तो ऊपर हो गया थर्टी नीचे हो गया फोर कैंसिलो तो कितने बार कटेगा ये हो जाएगा जा जा टुण 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 जा कितना आ गया रेट कितना आ गया सेवन पॉइंट फाइव परसेंट इज दी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट अब प्रिंसिपल ढूंढना है इस बार इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज अब आपको क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है रुपीज फोर फिफ्टी रेट दे रखा है सिक्स परसेंट टाइम दे रखा है फाइव इयर्स और निकालना क्या है आपको पी निकालना है जो भी निकालना हो फॉर्मूला आपको हमेशा ये लगाना है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना ठीक है तो क्या निकालना है पी निकालना है तो उसको यहीं पे छोड़ दो तो बाकी सब उधर चला जाएगा हंड्रेड उधर चला जाएगा और ये जो आर और टी है ना ये भी उधर चला जाएगा पर इसको हम ब्रैकेट में नहीं डालेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आर और T भी किधर चला जाएगा बेटा आर और T भी ये आर और ये टी ये दोनों भी किधर चला जाएंगे उधर उस साइड ठीक है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू एस आई इंटू हंड्रेड अपॉन आर इंटू टी ये बन गया प्रिंसिपल का फॉर्मूला ठीक है यही बन गया आपका किसका फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला तो चलिए

तो P इज इक्वल टू कितना आ गया फिफ्टीन इन टू हंड्रेड तो P कितना हो गया फिफ्टीन हंड्रेड कितना हो गया P P हो गया फिफ्टीन हंड्रेड इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द टाइम टेकन अब इस बार आपको क्या बोल रहा है टाइम निकालने के लिए बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है फोर थाउजेंड ठीक है सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना है एट हंड्रेड रेट आपको गिवन है कितना है फोर परसेंट फॉर्मूला वही लगाना है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है तब तक वही फॉर्मूला लगाना है ठीक है अब निकालना क्या है टाइम तो जो निकालना है उसको छोड़ देते हैं पता है ना आपको जो निकालना है उसको वही छोड़ दो बाकी सबको आगे ले जाओ हंड्रेड को उधर ले जाओ पी को उधर ले जाओ और आर को भी उधर ले जाओ और बनाओ फॉर्मूला ठीक है तो टाइम इज इक्वल एस आई इंटू हंड्रेड और पी इन टू आर कहा आ जाएगा नीचे तो टाइम इज इक्वल टू एस आई कितना है बताओ इन कलर हम चेंज कर लेते हैं एस SI कितना है बताओ एट हंड्रेड इन टू हंड्रेड टी कितना है बताओ फोर थाउजेंड इन टू आर कितना है बताओ फोर दो जीरो से दो जीरो कट रही है जीरो से जीरो कट रहा है ठीक है. है बच क्या रहा है ऊपर एटी बच रहा है नीचे फोर इन टू बच रहा है फोर से इसको काटोगे तो फोर टू जा एट और जीरो और इससे काटोगे तो फाइव टाइम कितना आ गया फाइव इयर्स कितना आ गया टाइम फाइव इज दी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑप्शन यील्ड्स मोर सिंपल इंटरेस्ट किसमें ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ऑप्शन ए दे रखा है आपको फाइव थाउजेंड प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना फाइव थाउजेंड रुपीज रेट दे रखा है आपको सिक्स परसेंट और टाइम दे रखा है आपको फोर ईयर्स अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो पी इंटू आर इंटू डी अब मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स इंटू फोर अपॉन हंड्रेड तो दो जीरो से दो जीरो कट गई अब क्या आ रहा है बताओ सिक्स हंड्रेड और फोर फाइव जा हो जाएगा ट्वेंटी तो हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी ये हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है ओके okay. चलिए अब सेकंड ये तो फर्स्ट ऑप्शन ए ए के लिए निकाला था हमने ये और ये हम यहाँ पे बी के लिए निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल आपको बी के ऑप्शन में कितना दे रखा है टाइम आपको दे रखा था थ्री इयर्स का तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा दोबारा से पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड दो जीरो से दोबारा से दो जीरो घटेगी फोर्टी इंटू एट से जा कितना होता ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर फोर जाता है एट्टी और फोर फोर जा सिक्स इतना आएगा आपका इंटरेस्ट तो पूछ रहा था कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ये पूछ रहा था ना तो यहाँ आ रहा है इस केस में इस केस में ज्यादा आ रहा है राइट ऑप्शन ए अगला क्वेश्चन देखिए कैलकुलेट द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन टेन थाउजेंड एट अब ये वही सेम क्वेश्चन है तो ये आपका होमवर्क है सेम क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क है ठीक है हाउ मच ये ये भी भी आप आप सारे आपके क्वेश्चन क्वेश्चन होमवर्क होमवर्क आपका है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी है बेटा सबके एक ही फॉर्मूला वर्क कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट ऑफ सिक्स इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रूपीज नाइन सिक्सटी कैलकुलेट द प्रिंसिपल ओके ये भी आपका होमवर्क है जो आपको नहीं आएगा आपको नीचे कमेंट करना है मैं आपको कमेंट में बताऊंगी ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं टूक लोन ऑफ ऑफ एट रेट फॉर इयर्स हाउ मच इंटरेस्ट डज ही नीड टू पे बैक इन टोटल होमवर्क क्वेश्चन ठीक है बोलोगे मैम आज तो ज्यादा क्वेश्चन आपने दे दी होमवर्क के लिए बेटा ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं दिए चार पांच क्वेश्चन और बहुत इजी देखा है आपने कैसे फॉर्मुला लग रहे हैं फटाफट हो रहे हैं इन्वेस्ट ट्वेल्व थाउजेंड इनविंग फोर सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच विल द स्टूडेंट है किस क्वेश्चन से होमवर्क मिल रहा है आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर सिक्स से ओके तो फाइव क्वेश्चन है फाइव में करवा दी फाइव क्वेश्चन है आपके पास ठीक है तो आज का वर्क क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन ये सारे आपके क्या हैं ये सारे आपके होमवर्क है जितना पढ़ाया है उन सबका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा उस सबका पीडीएफ मिल जाएगा मिल जाएगा आपको नवोदयम क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम क्या है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल क्या नाम है चैनल का नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल आपको क्या करना है अगर आपको नहीं मिल रहा है नाम से तो आपको क्या करना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा बेटा लिंक मिल जाएगा लिंक पे क्लिक करके आप चैनल पे पहुंच जाएंगे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आप वहां से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ इसके बाद जैसे ये कोर्स आपका एंड हो जाएगा नवोदय का और सैनिक स्कूल वाला जो बैच हमारा चल रहा है ये ये फाउंडेशन बैच है जैसे ही आपका क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ uh, वाले लेवल का फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको क्लास सिक्स क्लास सेवेंथ और क्लास एट की एनसीआरटीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ठीक है सारी एक्सरसाइजेस सारी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ठीक है डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर आपके डाउट्स आते हैं डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे क्लास सिक्स क्लास सेवन क्लास एट की पूरी पूरी एनसीईआरटी की बैच हम लोग लाने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है ठीक है इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है ठीक है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को ठीक है ज्यादा से ज्यादा अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी जितने भी है आपके आपके मेट्स हैं आपके क्लासमेट्स हैं आपके कोचिंग मेट्स हैं ठीक है उन सबके साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए कोई नीडी है आपके आस में उसके साथ शेयर करिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना है ताकि जो भी वीडियोस मैं इस पर डालू जैसे ही अपलोड करूं वैसे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अदरवाइज अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर सबसे पहले सारी अपडेट्स आती है ठीक है अगर आप वहां हैं तो आपको सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगी पीडीएफ भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर